हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक गाड़ी है, ओरियन, टोयोटा ओरियन, ओरियन कैमरी एफलॉन, सेम गाड़ी है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस सिर्फ लुकिंग का। ठीक है, गाड़ी प्रॉब्लम है, इसमें लाइट आ रही है AFS, आप लोग देख सकते हो ये लाइट आ रही है AFS की, ब्लिंक कर रही है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है, देखो आप लोग दिखा दूँ, और मैं इसको गाड़ी को स्कैन भी कर रहा हूँ, अब दिखाऊंगा आपको। AFS की लाइट आ रही है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। गाड़ी 2014 मॉडल गाड़ी है, टोयोटा ओरियन, ओरियन एफलॉन सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, गाड़ी में प्रॉब्लम कब आती है, इसकी जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में मोटर लगी रहती है, और वो मोटर ख़राब होती है तब भी लाइट आ जाती है हेडलाइट की। वायरिंग में इशू हो तब भी लाइट आती है AFS की। और किसी किसी गाड़ी में हेडलाइट बीम लगा रहता है टायर के पास नीचे, और कोई मैकेनिक काम करता है, कुछ चीज़ नीचे का पार्ट्स चेंज करता है, तो उससे भी लाइट आती है AFS की। ठीक है, तो ये गाड़ी दूसरी वर्कशॉप से आई है मेरे पास, ये देखो बंदे ने इसकी वायरिंग वगैरह सब चेंज कर दी है, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो कस्टमर का कहना है कि भाई मेरी ये लाइट तो बंद कर दो किसी भी तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसकी हेडलाइट नहीं लाऊंगा तो महंगी है, बस ये जो हेडलाइट है हमारी उसको ऊपर नीचे और अप डाउन लेफ्ट राइट घुमाती है, बस ये काम होता है। ठीक है, इसका एक कंप्यूटर लगा होता है गाड़ी के अंदर, इसका नाम होता है AFS कंट्रोल। लेक्सस गाड़ी में इस साइड में होता है, राइट साइड में इधर लगा हुआ, और टोयोटा गाड़ी में होती है, यहाँ मैंने खोल दिया है नीचे का, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ लगा होता है। सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका इसका क्या है, आप मेरी बात ध्यान में रखें, अगर आप किसी भी गाड़ी का कोई कंप्यूटर का सर्किट निकालोगे, कप्तर निकालोगे, तो क्या होगा, उसकी लाइट उसमें ऑन हो जाएगी। सपोज़ करो आपने ABS का सॉकेट बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ABS की लाइट मीटर के अंदर ऑन हो जाएगी। ठीक है, सपोज़ करो आपने निकाल दिया सिक्योरिटी की का सॉकेट बाहर, तो उसमें लाइट आ जाएगी सिक्योरिटी की। ठीक है, लेकिन टोयोटा लेक्सस गाड़ी में AFS की लाइट का जो कंप्यूटर, अगर आप उसकी उसका सर्किट बाहर निकालते हो तो उसकी लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। आप कोई इसकी हेडलाइट लाएगा तो बहुत महंगी आएगी, अगर वायरिंग भी इसकी चेक करेगा, किसी अगर किसी के वायरिंग में इशू है और वायरिंग चेक करता है, कसम 300 350 400 ले लेता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टोयोटा लेक्सस गाड़ी का, कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो आप AFS का कंट्रोल कहाँ लगा हुआ है, बस मैंने आपको बताया है टोयोटा लेक्सस गाड़ी की ये फॉल्ट कॉमन है। लेक्सस गाड़ी में यहाँ लगा रहता है, लेक्सस LS460 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ये AFS लाइट की। ठीक है, उसका कंट्रोल यहाँ लगा रहता है राइट साइड में, आपको क्या करना है, सिर्फ उसका सॉकेट निकाल देना है। ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसकी लाइट भी चली जाएगी। मैं आप लोग दिखाता हूँ उसका DTC क्या है, ज़्यादातर बता दिया कम्युनिकेशन एरर की आती है, कम्युनिकेशन फेल्ड एसिडिटी आती है इसके ट्रबल कोड में कम्युनिकेशन की। ये देखो हेडलाइट सिविल ECU लेफ्ट हैंड कम्युनिकेशन, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर। मोटर ख़राब हो तब भी यही कोड आएगा, वायरिंग इशू हो तब भी यही कोड आएगा, कुछ भी इशू हो कोड यही आता है। ठीक है, इसको हम कर देंगे एक बार क्लियर, तो क्लियर हो जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा, अभी देखते हैं। चलो क्लियर नहीं हुआ, बहुत सी गाड़ी में क्लियर हो भी जाता है पर ये आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं गाड़ी बंद करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं टोयोटा गाड़ी में साइड में लगा रहता है लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग के नीचे AFS कंट्रोल। सबसे आसान तरीका है इसकी फिक्स प्रॉब्लम सोल्व करने का, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये कंट्रोल जो लगा हुआ है ये AFS का है। ठीक है, आप इसके सूट को बाहर निकाल दो, ये देखो आप मैंने ये सूट बाहर निकाल दिया है, दिखाऊंगा आपको अच्छे से। ये सूट मैंने इसका बाहर निकाल दिया रहा। ठीक है, ये कंट्रोल लगा हुआ है AFS कंट्रोल है, ये हेडलाइट कंट्रोल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल दिया है सॉकेट, अब इसका समझो इलाज हो गया 100 के 100%,
पक्का सस्ता इलाज। तो हम गाड़ी ऑन करते हैं, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट चली गई है एफएस की। ठीक है मेरे भाई, सबसे सस्ता और अच्छा इलाज है गाड़ी का एफएस लाइट ऑफ करने का। कस्टमर हेडलाइट लेकर आता, कम से कम 1200-1300 रियाल की आती है इसकी लाइट। ठीक है, उसने बोला मेरा कोई सस्ता जुगाड़ कर दो, ये लाइट मेरी बंद कर दो मीटर से। हमने बंद कर दी। ठीक है मेरे भाई, लाइट कोई नहीं है, है लाइट भी सही काम करेगी। आप लोग दिखा दूँ मैं, देखो वहाँ, देखो गाड़ी में सामने, देखो वहाँ लाइट भी सही काम कर रही है, दिख रही है आपको? लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है भाई, ये एफएस लाइट का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन इलाज है। इंशाल्लाह अगर कोई बंदा बोलेगा कि इसको रिपेयरिंग करके दिखाओ, वायरिंग इशू, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वायरिंग इशू में कहाँ प्रॉब्लम होती है। इससे प्रॉब्लम होती है, एक वायर होती है कार कम्युनिकेशन की, ज़्यादातर वही ख़राब होती है इस गाड़ी की, ट्विटर की गाड़ी की वही ख़राब होती है। तो इंशाल्लाह कोई गाड़ी आएगी, कोई बोलेगा कस्टमर की नहीं मुझे तो सेम चाहिए कंपनी की तरह, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा हूँ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मेरा बहुत सी वीडियो में है, मैं इस वीडियो में नंबर डाल दूंगा अपना। ठीक है मेरे भाई, ये अल्लाह खुदा हाफिज़।